हेलो फ्रेंड, फाइनली GDS की करेक्शन एडिट विंडो खुल चुकी है। अगर आपकी कोई मिस्टेक हो गई हो तो आप उसे संशोधन कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं अपनी टॉपिक की ओर। मैं आपके लिए आज स्टेप बाय स्टेप फ़ोन से बताऊंगा। तो सबसे पहले आप अपने फ़ोन का गूगल क्रोम ओपन कर लीजिए, उसके बाद सर्च कर लीजिए GDS फॉर्म अप्लाई। ठीक है, जहाँ पर लिखा आ गया GDS फॉर्म अप्लाई, ठीक है, तो फर्स्ट लिंक आया है, इस पर आप क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे तो GDS की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट खुलने के बाद बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, उसके बाद जहाँ स्टेक टू अप्लाई ऑनलाइन लिखा रहा है वहाँ पर आप क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे तो दो ऑप्शन आएंगे, एक आएगा एडिट एप्लीकेशन का और एक आएगा एप्लीकेशन स्टेटस का। तो आप एडिट एप्लीकेशन पर क्लिक करोगे। जैसे ही एडिट एप्लीकेशन पर क्लिक करोगे तो ये खुल जाएगी। तो यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे, ठीक है, तो आप डाल लीजिए देखकर। सही सही बिल्कुल। फिर हम बढ़ते हैं आगे। जैसे ही रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे तो आप सबमिट के बटन पर क्लिक करोगे। सबमिट के बटन पर क्लिक करोगे तो आपके पास ओके का बटन आएगा, ओके पर आप क्लिक करोगे, ठीक है। जैसे ही ओके पर क्लिक करोगे तो आपके रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर पर OTP आएगी, ठीक है। यहाँ पर आप OTP डाल सकते हो, मतलब डाल देना, ठीक है। देखिए फ्रेंड, आप तीनों चीज़ें डाल लीजिए, जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, और सर्कल तो आपका आ ही जाएगा ऑटोमेटिक। उसके बाद इंटर OTP, जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था ना जिस मोबाइल नंबर से, उस मोबाइल नंबर पर OTP आएगी, उस OTP को डाल देना, ठीक है। नेक्स्ट है कैप्चा कोड, यहाँ पर कैप्चा कोड डाल देना। चारों चीज़ें डालकर यहाँ पर आया सबमिट का बटन, तो सबमिट पर आप क्लिक करेंगे, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही सबमिट पर क्लिक किया तो सारी विंडोज़ खुलकर आ गई जो मैंने डाली थी। देखिए फ्रेंड, मैं आपके लिए बता दूं, यहाँ पर हम रजिस्ट्रेशन नंबर को एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद अपने फ़ोन नंबर को भी एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है फादर नेम, हाँ हम फादर नेम को एडिट कर सकते हैं, ठीक है। आप फादर नेम को ईजिली एडिट कर सकते हो। उसके बाद मोबाइल नंबर, आप अपने मोबाइल नंबर को भी एडिट नहीं कर सकते। उसके बाद ईमेल एड्रेस, आप अपने ईमेल एड्रेस को भी एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ को एडिट कर सकते हो, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ पर क्लिक करोगे, जैसे ही डेट ऑफ बर्थ पर क्लिक करोगे कैलेंडर खुल जाएगा, आप अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लीजिए, तो आपका डेट ऑफ बर्थ एडिट हो जाएगा, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ के बाद आते हैं जेंडर पर, ठीक है। आप जेंडर को भी एडिट कर सकते हो, सिलेक्ट पर जाओगे, ठीक है, यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है कम्युनिटी, कम्युनिटी सिलेक्ट करोगे आप और यहाँ पर इसको भी एडिट कर सकते हो। जैसे कि हमारी है OVC, तो मैं OVC पर क्लिक करूँगा, ठीक है। और सिलेक्ट सर्कल, सिलेक्ट सर्कल को भी आप एडिट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि हमारा है मध्य प्रदेश, तो मैं क्या करूँगा, मध्य प्रदेश सिलेक्ट करूँगा ईजिली है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ईयर ऑफ पासिंग सेकेंडरी स्कूल, तो सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो इसका भी हम एडिट कर सकते हैं, यानी हमने 10वीं क्लास कब पास की थी, तो मैंने की थी 2020 में, ठीक है, तो मैं 2020 सिलेक्ट कर लूँगा। आ गया हमारा 2020, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, आधार नंबर भी एडिट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। और यहाँ पर सिलेक्ट क्या है, आर यू पर्सन विथ डिजेबली, ठीक है, क्या आप डिजेबली भी आप एडिट कर सकते हो। लैंग्वेज भी एडिट कर सकते हो, सिलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। उसके बाद सिग्नेचर भी एडिट कर सकते हो और फोटो भी एडिट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपके लिए सब कुछ बता दिया, अब आते हैं हम नेक्स्ट पेज की ओर। रजिस्ट्रेशन नंबर 1 में सभी चीज़ें फिलअप करके आप सबमिट पर क्लिक करोगे, ठीक है। एक बार और आप अच्छे से देख लेना, फिर आप फिलअप कर देना, ठीक है। हाँ, अपलोड फोटो, इसमें आप साइज इसमें लिखा है 50 KB का ही बनाना, और इसमें लगभग कितना है 20 KB का। मैं आपके लिए बता दूं, अगर आपको साइज बनाना नहीं आता तो आप क्या करोगे, आप पिक्सल लैब एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, वहाँ से साइज बनाओगे पहले फ़ोटो का, सिग्नेचर का भी और फ़ोटो का भी, ठीक है। साइज बना के इसमें अपलोड करोगे, अपलोड करने के बाद सभी चीज़ें एक बार आप देख लोगे, देखने के बाद सबमिट पर क्लिक करोगे। जैसे ही मैंने सबमिट पर क्लिक किया तो आपके लिए एक और ऑप्शन मिलता है चेक करने का, सारी इन्फॉर्मेशन को चेक करके आपको यहाँ पर कंसेंट देना है, टिक करना है। टिक करने के बाद सबमिट का बटन है, आप उस पर क्लिक करोगे। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करोगे तो देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, ठीक है। स्टेप नंबर 2 में यहाँ पर आपका नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर,
डेट ऑफ बर्थ, कम्युनिटी वगैरह सब कुछ आ जाएंगी, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है एड्रेस डिटेल्स। इस बार आपको सही सही एड्रेस डालना है, अगर आपने पिछली बार गलत डाला है तो सही सही डालना है, ठीक है। यहाँ पर आप कम्युनिकेशन एड्रेस डाल दोगे, उसके बाद इस पर टिक कर दोगे अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले कम्युनिकेशन एड्रेस डालोगे और यहाँ पर टिक कर दोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल्स में यहाँ पर आपका सर्कल देख सकते हो, ठीक है, कौन सा आपका सर्कल है। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग सेकेंडरी, मतलब आपने कौन से साल में पास की है वो देख सकते हो, ठीक है। सिलेक्ट मोड, कुछ लोगों के नंबर गलत हो गए थे, आप यहाँ से संशोधन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरह से आप अपने नंबर सेलेक्ट कर सकते हो। नंबर सेलेक्ट करने के बाद एक बार फिर से आप अपनी सारे डिटेल्स देख लीजिए, क्योंकि एक बार सबमिट हो जाने के बाद फिर कुछ लाइन नहीं है सबमिट होने की डबल से, ठीक है। सारे डिटेल्स चेक करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली हमने रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स डाल दी, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म भी डाल दिया। अब हमें प्रेफरेंस की डिटेल्स डालना है, ठीक है। उसके बाद आप अपना डिवीज़न सिलेक्ट करोगे, जैसे कि हमारा है विदिशा डिवीज़न, तो हम हमारा विदिशा डिवीज़न सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। विदिशा डिवीज़न सिलेक्ट करने के बाद विदिशा में जितनी भी वैकेंसी हैं वो खुल जाएंगी। तो मैं आपके लिए बता दूं, अगर आप यू आर कैटेगरी से हो तो ये लिखा आ रहा है ना यू आर, ये वाली वैकेंसी लगाना। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो, जैसे कि ओबीसी लिखा है नौ नंबर की वैकेंसी में, ठीक है, तो ये सिर्फ ओबीसी के लिए। अगर आप गलती से यू आर वाली डाल देते हो और आप ओबीसी कैटेगरी में आते हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ये गलती बिल्कुल भी मत करना, ठीक है, मैंने आपके लिए पहले ही बता दी। अगर आप ओबीसी से हो तो ओबीसी सिलेक्ट करना, ठीक है, क्रमांक, जैसे मैं अभी करूँगा, जैसे कि हमारी कैटेगरी क्या है, ओबीसी है, तो ए वी यू आर का है, ए वी यू आर का है, ए वी यू आर का, ठीक है। ओबीसी का अभी तक नहीं है, सभी यू आर कैटेगरी के, ओबीसी का सिर्फ ए है नौ नंबर पर। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर वन एक नंबर डाल दूंगा, ठीक है। क्या नंबर डालोगे आप, एक नंबर। उसके बाद देखते हैं ए वी ओबीसी का है, तो इसमें आप डाल दोगे दो नंबर, ठीक है। अब ये तो कम्प्लीट हो गया, अब देखते हैं टू नंबर पर। टू नंबर पर देखेंगे तो अब इसमें देखेंगे ओबीसी की कितनी वैकेंसी आई हैं, तो देखेंगे यू आर का है, ए ओ बी सी का है बारहवें नंबर पे, तो यहाँ पर आप तीन नंबर डाल दोगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ओ बी सी, जी ओ बी सी की है, यहाँ पर आप चार नंबर डाल दोगे। इसी प्रकार से आप सारी पोस्ट हैं उनको सिलेक्ट कर लेना है आपको। आपकी कैटेगरी के अनुसार आपकी सारी पोस्ट सिलेक्ट करने के बाद देन यहाँ से स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद इस टिक को क्लिक करना है। इस टिक को जैसे ही क्लिक करेंगे फिर थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, देखो आप चेक भी कर सकते हो आपका सर्कल कौन सा है, जैसे कि हमारा मध्य प्रदेश है और सिलेक्ट डिवीज़न तो विदिशा है मेरा, ठीक है। उसके बाद फिर स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद सेव पर क्लिक करेंगे, जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा, देखो एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली हो गया है। आप देख सकते हो हमारा एप्लीकेशन फाइनली सबमिटेड सक्सेसफुली हो चुका है। उसके बाद देन यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे, जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे तो हमारा फॉर्म आ गया है, आप देख सकते हो, ठीक है। आप यहां से इसका प्रिंट भी ले सकते हो और इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो आई होप आज के इस वीडियो में आपको एडिट करना आ गया होगा, और फ्रेंड आप ध्यान से करना, इसके बाद एडिट करने की कोई लाइन नहीं है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।